खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होटल के वही स्वाद वाला लच्छा पराठा, जिसे हम घर पर बनाएंगे, और वो भी गेहूं के आटे से ढेर सारी परतों वाली, जो बहुत ही हेल्दी होने वाला है। आप ये देख सकते हैं इसमें कितने सारे लेयर्स आए हुए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बताई ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा लेते हैं। आप अपने हिसाब से आटा ले लीजिए, आपको जितना भी पराठा बनाना हो। इसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे कोई भी तेल ऐड नहीं करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते हैं और अच्छे से आटा को गूंथ लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है, लगभग वैसा ही जैसा कि हम रोज के रोटी के लिए आटा लगाते हैं। बस हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि हमें इसमें थोड़ा सा मेहनत और करना है, और 15 से 20 मिनट तक हम इसे इस तरह से मसल कर और ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे, जिससे पराठा जो है हमारा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो चलिए आटा हम लगा लिए हैं, बस अब इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रहने देना है। तो चलिए एक प्लेट से ढककर इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रहने देते हैं। अभी कटोरी लेते हैं, इसमें 2 चम्मच हम मैदा लेंगे। मैदे में तेल डालकर या रिफाइंड ऑयल डालकर आपको एक पतला सा पेस्ट बना लेना है। तो 2 चम्मच मैदा में मैं यहाँ 3 चम्मच तेल ले रही हूँ, रिफाइंड ऑयल है ये, जिसे ये एक बहुत ही अच्छा पतला पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से पेस्ट के जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रहे एक भी लम्स ना रहे, और इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। चलिए इसे साइड करते हैं। तो अब पराठा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए इस तरह से एक लोई काट लेंगे। हमें रोटी से थोड़े बड़े साइज का लोई लेना है। इसमें सूखे आटे लगाकर इसका एक हम रोटी तैयार कर लेते हैं। आप इसे रफली बेलिए, क्योंकि इसमें हमें साइज और शेप का कोई इशू नहीं है अभी, क्योंकि लास्ट में हमें इसे वापस से फिर लोई तैयार करना है। तो इस तरह से एक बड़ी रोटी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। थिकनेस इसका आप पतला ही रखिए। तो चलिए ये परफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम इस रोटी के ऊपर मैदे के पेस्ट को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। चारों तरफ आप इसे इक्वली स्प्रेड कर लीजिए। मैदे के इस पेस्ट के लगाने से ये होता है कि लेयर्स बहुत अच्छे बनते हैं और पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अब हमें एक चाकू की हेल्प से इसमें पतले पतले लंबे इस तरह से कट लगा लेना है। ध्यान रहे कि आप दोनों किनारों को ऐड ही रहने दीजिए। तो इस तरह से पतले कट्स आप लगाइए। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है। इस पर थोड़े से सूखे आटे हम स्प्रिंकल कर लेंगे और अच्छे से हम इसे फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से हमें एक सिलेंडर इसका तैयार कर लेना है। बहुत ईजली ये इस तरह से रोल बनकर तैयार हो जाता है। इसके ऊपर हम थोड़े से सूखे आटे और छिड़क लेते हैं। और अब जो है वो सबसे ज़रूरी बात कि इस रोल को हमें ट्विस्ट करना है। तो आप दोनों किनारों को इस तरह से पकड़िए और हाथ हल्के हाथ से हमें इस तरह से इसे ट्विस्ट करते जाना है। बस यही लच्छे पराठे का जो है वो मेन प्रोसेस है, जिससे परत जो है वो बढ़िया खुलकर आता है। और अब इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद हम एक किनारे से इस तरह से इसे रोल करेंगे और दोनों छोरों को दबा देंगे। तो लच्छे पराठे के लिए परफेक्ट पेड़ा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से आप सभी लोई को तैयार कर लीजिए पराठे के लिए। अब हम इसे हल्के हाथ से बेलन से इस तरह से बेलेंगे। हमें बेलन से बहुत ज़्यादा दबाव इस पर नहीं डालना है, हल्के हाथ से ही हम इससे पराठा इस तरह का बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए परफेक्ट हमारा पराठा बेलकर तैयार है। अब एक तरफ तवा गरम करेंगे, हथेली पे इसे सावधानी से उठाते हैं और गरम तवे पे इसे डालते हैं। लो फ्लेम पे ही हमें पराठे को अच्छे से सेकना है। नीचे की तरफ जब ये सिक जाए तो इसे पलट लेंगे।
और इसके ऊपर हम घी लगा लेते हैं। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरह से घी को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। तो चलिए दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़िया लेयर्स जो है हमारे पराठे के ऊपर आए हुए हैं। तो हमें इस तरह से थोड़ा दबा दबा कर पराठे को अच्छे से सेक लेना है, जिससे पराठा जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और लेयर्स भी इसके बढ़िया खुल के आते हैं। तो चलिए परफेक्ट हमारा लच्छा पराठा तैयार है, और वो भी गेहूं के आटे का, जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो आप अक्सर इसे बनाकर एंजॉय कीजिए अपने पसंद की सब्जी या चटनी के साथ।